इंटेल के सीपीयू फैन से पिंस को कैसे रिमूव किया जाता है। बहुत बार बहुत लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज अगर सीपीयू पिन टूट जाती है तो आपको फैन को फेंकना पड़ता है। अब इस पिन को रिमूव करने, जैसे आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैं दो पिन रिमूव कर चुका हूँ। अब मैं आप लोगों को ये दिखाऊँगा कि इसकी एक्सेस बाकी की दो पिन कैसे रिमूव कर सकते हैं। हर सीपीयू फैन में आप देखेंगे कि दो, एक पिन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक वाइट कलर का और एक ब्लैक कलर का। जो वाइट कलर का पार्ट होता है वो ब्लैक कलर की दो पिन्स के द्वारा रोका गया होता है। एक आप यहाँ देखेंगे, दूसरा दूसरी तरफ इस तरफ। तो इसको रिमूव करने के लिए आपको इन दोनों लॉक्स को अपने नेल्स के साथ पकड़ना है और वाइट पार्ट को बाहर खींचना है। जैसे आप देखेंगे मैंने लॉक के अंदर अपने नेल को फंसा दिया और उसको थोड़ा सा बाहर की तरफ खींचा तो वाइट पार्ट बाहर आ गया। अब आप देखेंगे आई हैव रिमूव्ड वन पिन सक्सेसफुली। इसी तरीके से मैं दूसरे पिन को भी बाहर निकालूंगा। इसमें भी वही दो लॉक हैं, एक इस तरफ और एक इसकी अपोजिट इस दूसरी तरफ। यहाँ देखेंगे आप, जिसने वाइट पार्ट को, इनर पार्ट को रोक के रखा हुआ है। आप देखेंगे मैंने इसको सक्सेसफुली बाहर निकाल लिया। अब मेरे फैन के अंदर कहीं भी कोई भी पिन नहीं है।